लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। पिछले बार भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी, भारतीय जनता पार्टी के लोग ही विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे। विजय कुमार सिन्हा जी आज नेता प्रतिपक्ष हैं। और बड़ी घटना हुई थी उस समय, आपने देखा होगा उस समय सदन को किस प्रकार, जब विपक्ष में यही तेजस्वी यादव जी वगैरह सब लोग मिलकर किस प्रकार सदन को रौंदने का काम किया था, विधानसभा अध्यक्ष के जो कुर्सी है उसको तोड़ने का काम किया था। अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, लेकिन अभी जो है यह दर्शाता है जब पूरे के पूरे जंगल राज की सरकार है और बिहार विधानसभा के जो माननीय अध्यक्ष हैं वो अपने मर्जी से कुछ कर नहीं पा रहा है। वह ट्रेजरी बेंच के इंडिकेशन से करते हैं, ट्रेजरी बेंच पर जो सरकार बैठी रहती है, जो सरकार के लोग बैठे रहते हैं वो ट्रेजरी बेंच के निर्देशन पर ही काम करते हैं, अपने विवेक से बहुत कम काम होता है। जिस प्रकार बिहार विधानसभा में आज घटना घटी आप सबों ने देखा, किस प्रकार प्रत्येक दिन ऐसा घटना झेलने को पड़ता है। ये बिहार विधानसभा के माननीय जो सत्ता पक्ष विपक्ष के विधायक हैं, हम सब लोग हैं, जब भी कोई विषय उठाते हैं, जनहित में विषय उठाते हैं, तो हम लोग को माइक बंद कर दिया जाता है, हम लोगों की तरफ से कैमरा जो है हटा दिया जाता है, ताकि बिहार के जनता विपक्ष को आवाज़ को देखे नहीं। ये लोग चाहते हैं जो विपक्ष की आवाज़ को किसी प्रकार दबा दो, ताकि जनहित के मुद्दा विपक्ष जो उठाते हैं तो आम जनता को जानकारी नहीं हो, ये मानसिकता है। ये जो नेता संसदीय दल का जो बैठे हुए हैं उनका भी इंडिकेशन होता है, वो चाहते हैं हमेशा जो उनका एक पेच रहता है हमेशा। और इस प्रकार से आज हमने जनहित में विषय जो उठाया था, हमने केवल मांग किया था, बिहार सरकार से मेरा प्रश्न था, मैं केवल ऐसे नहीं बोल रहा था, मेरा प्रश्न था, हमने कहा था माननीय विभाग के मंत्री से कि भाई पूरे बिहार के अंदर जो सेविका और सहायिका है उसको सेविका को जो है 5975 रुपया और सेविका को जो है 2965 रुपया मानदेय दी जाती है, जो दैनिक मजदूरी से भी कम है। दैनिक मजदूरी भी मनरेगा का है, कम से कम उतना भी दे दोगे तो कम से कम 15,000 रुपया सेविका को और 10,000 रुपया सहायिका का मिलना चाहिए, जिसके उसके पारिवारिक जीवन को उपार्जन हो सके। लेकिन बिहार सरकार ने कहा कि इस पर कोई विचार सरकार अभी नहीं किया, तो हमने क्वेश्चन किया, पूछ रहा था कि भाई क्यों विचार नहीं किया। हर विधायक को तीन पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार है, मैं भी उसी में पूरक पूछ रहा था, लेकिन जो सत्ता पक्ष के विधायक है वो हल्ला करने लगे, कहे जी इनका माइक बंद कर दो। अन्ना जाने माने विधानसभा का जो अध्यक्ष है, किस प्रकार मेरा माइक को बंद करवा दिया जाता है, माइक बंद करा दिया गया। हमने माइक को कई बार टोका, एकदम हमने कहा, हिलाया जो भाई किसी प्रकार हमको आवाज़ दीजिए माइक में, हम अपने बातों को रखेंगे, मेरा अधिकार है। इस प्रकार दबंगगिरी पूर्वक इस बात मेरे बातों को नहीं दफना सकते हो, मेरे बातों को कुचल नहीं सकते हो, मेरे बातों को नहीं जाप सकते हो, लेकिन आवाज़ नहीं दिया गया। इसी पीरियड में केवल हम आवाज़ देने के लिए कह रहे थे और सरकार किस प्रकार से व्यवहार किया और हम पर अमर्यादित भार लगाकर 2 दिनों के लिए सदन से निष्कासित किया गया। वो नहीं चाहते हैं जो बिहार विधानसभा में जो दलित का विधायक है दलितों का विकास करे, दलितों के विकास की बात करे। हमने कहा था पिछले विधानसभा के पिछले दिन में, हमने कहा था जब भाई पूरे बिहार के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब दिए थे खड़ा होकर, आप लोगों को याद होगा, हमने कहा था पूरे बिहार में जो SC ST जो नौजवान छात्र है, विद्यार्थी है, उसको पूरे पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप बिहार सरकार ने बंद कर दी है। जो केंद्र सरकार उसमें 60% अनुदान की राशि देती है, 40% बिहार सरकार देती है, जिस कारण से बंद करने से बिहार के लगभग 5 लाख से अधिक छात्र जो है जिसका भविष्य अंधकार में हो गया है। मैंने कहा उसको लागू कर दो, क्यों बंद कर रहे हो भाई, बिहार के नौजवानों के साथ खेल खेल रहे हो। मैंने फिर प्रश्न किया था जो भाई जो इस बार का बिहार विधानसभा का जो बजट है, इस बजट में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के लिए इस बजट में कोई राशि का विशेष व्यवस्था नहीं किया गया है। अब पुराना जो बजट है, पिछला बजट है, उस बजट से भी कम रखा गया है। बिहार का जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्रालय है, वह जितना ना माझी जी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जो दलित का नेता बना करते हैं, वह कैसे अपना भाषा का बदलते हैं, सुबह शाम अपने बयान बदलते हैं, उनका बेटा है। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग में जो बजट दिया गया सरकार के द्वारा, वह 0 पर आउट है, ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन है। जहां बजट में ही कोई प्रावधान दलितों के विकास के लिए नहीं किए गए हो, तो वैसे बजट के वैसे आप कैसे दलितों का विकास सब कर सकते हैं। ये सारे सवाल जब मैं उठाता हूं तो उनको लगा ये दलित विधायक है, दलित समाज से आता है, ये दलितों का मुद्दा का आवाज़ करता है, किसी प्रकार इनको माइक को ही बंद कर दो, इनकी आवाज़ को ही दफन कर दो, दलितों का आवाज़ नहीं उठे। सरकार का सोचा समझा साजिश है, एक साजिश के साथ मेरे साथ ऐसा घटना किया गया। अच्छा, माननीय अध्यक्ष के द्वारा ये आरोप लगाया गया कि राजद जो है दलित विरोधी, इसको आप कैसे देखते हैं?
बीजेपी अध्यक्ष अजय आप तक साथ सीधा उदाहरण है। मैं एक दलित विधायक हूँ और मैं कोई मेरे परिवार में कोई एमपी एमएलए नहीं थे। मैं तेजस्वी प्रसाद यादव के तरह भ्रष्टाचार के गोद से नहीं, मेरा जन्म नहीं हुआ है। मैं सड़क से संघर्ष करके विधानसभा में आया हूँ, सड़क से सदन तक संघर्ष करके मैं आया हूँ। विरासत मुझे राजनीति नहीं मिली है, मुझे उनके तरह 600 करोड़ रुपया नहीं मिला है। हमारे पिताजी उनके पिताजी के तरह भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं थे, साधारण किसान थे। और एक किसान का बेटा, एक दलित का बेटा जब दलितों के विकास की बात करता है विधानसभा में, तो तेजस्वी प्रसाद यादव के निर्देशन में ही और सरकार के संरक्षण में विधानसभा के द्वारा एक दलित विधायक पर जो कार्रवाई की जाती है, इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? दलितों के बात को दफन करने के लिए इससे बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है? ये तो जंगल राज की सरकार है, ये कहीं से नहीं, दलितों के प्रति कहीं से इनकी हमदर्दी नहीं है, कोई संवेदना नहीं है, संवेदनाहीन सरकार है। और जिस प्रकार से 2 दिनों के लिए हमें निष्कासित किया गया, ये चाहते हैं कि सदन में लखेंद्र पासवान 2 दिनों तक नहीं जाए। हमने स्थगन प्रस्ताव लाया था, ये चाहते हैं कि स्थगन प्रस्ताव ये नहीं लावे, दलित का विषय नहीं बैठे, सहायक और सेविका और सहायिका का मुद्दा नहीं उठे। इसलिए एक साजिश के तहत मुझे बाहर किया गया है। लखेंद्र जी, अब आपका आगे का रणनीति है? मेरी अगली रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की, एक एक विधायक, विधान परिषद, हम लोगों ने निर्णय लिया है 2 दिनों तक हम लोग सदन से बाहर रहेंगे। हम लोग एक भी विधायक, एक भी विधान परिषद सदन में नहीं जाएंगे और बाहर से ही पैरेलल सदन चला के दलितों को विकास, बिहार के लोगों को विकास, सेविका सहायिका का मानदेय कैसे बढ़े, इस विद्या को एकदम बुलंद रखेंगे। इसमें कोई शक नहीं है। सरकार जी धमकी देना चाहता है तो लखेंद्र पासवान धमकी से डरने वाला नहीं है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहा करते थे कि शिक्षा जो है वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। लखेंद्र पासवान अम्बेडकर का खून रग रग में भरा हुआ है। तेजस्वी प्रसाद यादव हमको गरीबों का मर्यादा और गरीबों के प्रति हितैषी, एक बनावटी गरीब मत बने। उन्होंने गरीबी कभी देखा ही नहीं, उनके तो भ्रष्टाचार के गोद में उनका जन्म हुआ है, परिवारवाद के गोद में उनकी जन्म हुई है। वो लखेंद्र पासवान ऐसा गरीब का बेटा हो ही नहीं सकते हैं, वो क्या गरीबी हमको पढ़ाएंगे? एक सवाल है, ऐसा तो नहीं आप दलित का दंश झेलना पड़ा आज आपको? निश्चित रूप से देखिए, जब जब बिहार के अंदर एक प्रत्येक दिन जब दलितों के विकास की बात, कोई भी सरकार की योजना बनता है, सरकार में हम लोग भी बहुत दिन तक रहे हैं, जहाँ आज तेजस्वी प्रसाद यादव गए हैं वहाँ कल तक हम लोग बैठा करते थे, कल वहाँ वो बैठते थे जहाँ आज हम लोग बैठते हैं। हमसे पहले पिछले सदन में उन्होंने ही 22, आपने देखा होगा 22-23 का जो सत्र था, उसी समय उन्होंने रौंदा था। और एक दलित विकास विधायक के भी साथ जिस प्रकार से व्यवहार उनका रहा है, वो नहीं चाहते हैं दलितों का विकास की बात बने, कहीं से नहीं, ये तो दिखा रहे निश्चित रूप से। और लेकिन अगर दलित पर इस प्रकार से अन्याय होगा तो पूरे बिहार के दलित इस बात को देख रही है, पूरे बिहार के गरीब इस बात को देख रही है। ये लखेंद्र पासवान कहीं के अपमान नहीं है, ये पूरे बिहार के दलितों का अपमान है। और इसका अपमान का बदला लोकतांत्रिक तरह से निश्चित रूप से बिहार के जनता, बिहार के दलित समाज के लोग हमारे 2024 और 25 के चुनाव में लेगी। और जिस प्रकार 2 दिनों के लिए सदन से हमको बाहर किया है, आने वाला 24 और 25 जो होगा, पूरे बिहार के दलित जो है मेरे मान सम्मान को रक्षा करते हुए, अपने मान सम्मान की रक्षा करते हुए, अपने हित में इन्हों 24 और 25 में बिहार विधानसभा से बाहर कर देगा। लाइव न्यूज़, खबर तो पक्की है।